हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है बापिरे और आप लोग देख रहे हैं चैनल नेटलाइन। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा आप किस तरह से आपके फेसबुक फ्रेंड्स की ईमेल आईडी को कैसे ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो यहाँ पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्या है कि फेसबुक में सभी फ्रेंड्स अपने ईमेल आईडी को प्राइवेट रखते हैं, तो इसलिए हमें उन लोगों का ईमेल आईडी नहीं मिलता है। तो इस ट्रिक से आपको पता चल जाएगा आप किस तरह से उन लोगों का ईमेल आईडी को ढूंढ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पहले गूगल पे आ जाइए। गूगल पे आने के बाद यहाँ पर आपको एक चीज़ पहले करना पड़ेगा, वो है कि आपको एक याहू ईमेल आईडी बनाना पड़ेगा याहू का। तो पहले सर्च इंजन में आके याहू का एक ईमेल आईडी बना लीजिए। तो YES याहू मेल सर्च कीजिए। याहू मेल सर्च करते यहाँ पर देखिए याहू लॉगिन यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे याहू लॉगिन पे क्लिक कीजिए। तो याहू लॉगिन पे क्लिक करते यहाँ पे आपको साइन इन करने को कहेगा। तो इसको आप साइन इन मत कीजिए क्योंकि आपके पास शायद याहू मेल नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए साइन अप पे क्लिक करके एक नया ईमेल आईडी बना लीजिए याहू का। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम दे दीजिए, यहाँ पे अपना लास्ट नेम, उसके बाद यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी चूज कर सकते हैं कोई भी। तो यहाँ पे देखिए ये सारा ईमेल आईडी यहाँ पे अभी अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं ये चूज करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड दे दीजिए या फिर आप ये थोड़ा 8 से 12 पर कैरेट एक पासवर्ड बना लीजिए। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड में थोड़ा गड़बड़ है, फिर से लगाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिए। यहाँ पर मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे अपना बर्थडे सेलेक्ट कीजिए। मैं यहाँ पर अपना बर्थडे सेलेक्ट कर लेता हूँ। बर्थडे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। जेंडर सेलेक्ट करते ही यहाँ पर देखिए कंटिन्यू का एक बटन है, यहाँ पर क्लिक करके कंटिन्यू कर लीजिए। तो अभी कंटिन्यू हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो मोबाइल नंबर आपने दिया है तो उसको वेरीफाई करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए टेक मी ए कोड, यहाँ पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर जो है वो उसको वेरीफाई कर लीजिए। तो ये आपको मोबाइल नंबर पर आप देख सकते हैं एक वेरीफिकेशन कोड भेज दिया गया, तो उस कोड को यहाँ पर डाल दीजिए और वेरीफाई कर लीजिए। तो मैंने वेरीफाई कोड डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करके फिर भी कर लेता हूँ। यहाँ पे आप कॉल मी विथ कोड, तो आप कॉल करके भी अपना जो वेरीफिकेशन का कोड है उसको भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए लेट गेट स्टार्टेड, यहाँ पे क्लिक करके अपना ईमेल को स्टार्ट कर लीजिए। तो देखिए लेट गेट स्टार्ट पे क्लिक करते यहाँ पे मेरा जो ईमेल है वो स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते यह इसका डैशबोर्ड जो हो आपको नजर आते होंगे। तो यहाँ पे देखिए मेल, क्रिकेट, फाइनेंस, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है याहू का। ये बस सिर्फ मेल ही नहीं, और भी बहुत सारा ऑप्शन आपको दिखाई देता हूँ, मूवी, सेलिब्रिटी। तो आपको सिंपली मेल पे क्लिक करना है और मेल भेजाना है। तो मैंने मेल पे क्लिक किया और देखिए ये साथ ही साथ मेल पे रीडायरेक्ट होता है। मुझे थोड़ा वेट करना पड़ेगा ये जब तक मेल में ले जाते हैं। आप जब नया अकाउंट खुलेंगे तो आपको थोड़ा वेट करना ही पड़ेगा। तो ये भी देखिए वेलकम, मुझे वेलकम किया जा रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे फेसबुक, गूगल आउटलेट या और याहू पे मुझे मेल बनाने को कह रहे हैं। तो इसको मैं स्किप कर देता हूँ, ये ऐड था तो स्किप कर देते। यहाँ पे देखिए मेरा इनबॉक्स है। तो यहाँ पे मुझे मैसेज आ रहा है योर इनबॉक्स फोल्डर इज एम्प्टी। तो मुझे कोई भी अभी मैसेज नहीं आया है, तो इसलिए ये मैसेज आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ऑप्शन को, आप देख सकते हैं यह है मेल, ये है कॉन्टैक्ट, ये है कैलेंडर, उसके बाद यहाँ पे है नोट पैड, उसके बाद यहाँ पे मैसेंजर, उसके बाद यहाँ पे देखिए न्यूज़ फीड। तो आपको सिंपली ये कॉन्टैक्ट पे जाना है। कॉन्टैक्ट पे जाते ही यहाँ पे ये लोडिंग होता है। लोडिंग होने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे सोशल मीडिया साइट आपको नज़र आते होंगे, फेसबुक, गूगल, आउटलेट, याहू और भी बहुत सारे सोशल मीडिया साइट। तो आपको सिंपली फेसबुक में जाके लॉगिन करना पड़ेगा। तो चलिए फेसबुक में जाके मैं सिंपली लॉगिन हो जाता हूँ। फेसबुक एंटर। तो यह भी फेसबुक का लॉगिन पेज में रीडायरेक्ट हो गया है। तो यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दे दीजिए और पासवर्ड दे दीजिए, मैं यहाँ पे दे चुका हूँ। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर दी, ये फेसबुक में लॉगिन हो जाता हूँ। तो फेसबुक में लॉगिन होने से आपको फिर से आपका मेल पे आना है। मेल पे आने के बाद यहाँ पे देखिए फेसबुक में यहाँ पे इम्पोर्ट का एक लिंक है, यहाँ पे क्लिक करके आपका जो फेसबुक के साथ याहू को कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए ये परमिशन मांग रहा है याहू के साथ फेसबुक को कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे फेसबुक के साथ कनेक्ट करते ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं
आपका सारा का सारा फ्रेंड्स का ईमेल आईडी यहाँ पे आपको नज़र आते होंगे, और वो लोगों के आपको फेसबुक में जिन लोगों का ईमेल आईडी आपको नज़र नहीं आते होंगे, यहाँ पे सारा का सारा ईमेल आईडी आपको नज़र आते होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ईमेल, कुछ लोगों ने ईमेल का इस्तेमाल किया ही नहीं तो उन लोगों का ईमेल आईडी नहीं दिखाई दे रहे, यहाँ पे आप देख सकते। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो ट्यूटोरियल कि आप किस तरह से आपके फेसबुक फ्रेंड्स का ईमेल आईडी को देख सकते हैं इस ट्रिक के वजह से। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, यहाँ पर क्लिक कर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल पर। थैंक यू।